नमस्कार, मैं स्वाति। आइए नजर आते हैं आज के प्रमुख समाचारों। अम्बेडकर नगर हंसवा थाना क्षेत्र के मकरही ग्राम सभा के एक गरीब को लोन के बहाने लूटा 3,50,000। बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा हंसवा के बैंक मैनेजर ने मिलकर सुशीला देवी पत्नी राम जागीर यादव के घर से जाकर 17 लाख के लोन का झांसा देकर कराया हस्ताक्षर और उनके खाते से 3.5 लाख रुपए निकाले। बैंक मैनेजर व फील्ड मैनेजर रवि शर्मा ने एक नए नियम का झांसा दिया था, जिसके बाद प्रार्थी ने एसओ हंसवा, एसपी अम्बेडकर नगर, डीएम अम्बेडकर नगर, एलडीएम अकबरपुर से शिकायत की, पर अभी तक कोई हल नहीं निकला। अम्बेडकर नगर से हमारे संवाददाता रमेश मौर्य की रिपोर्ट। मैं रमेश मौर्य, मैं पहुँचा हूँ अम्बेडकर नगर के हंसवर थाना क्षेत्र के मकरही ग्राम सभा में। यहाँ पर एक व्यक्ति के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा हंसवर के बैंक मैनेजर और फील्ड अफसर ने मिल के क्या कहा, लोन का झांसा देकर क्या कहा, क्या किया, आइए इनसे पूछताछ करते हैं। सर आप बताइए आपके साथ क्या हुआ। हमने जो है खादी ग्राम उद्योग से आवेदन किया था लोन के लिए, वहाँ से हमारी फाइल बन के जो है कि बैंक ऑफ बड़ौदा हंसवर में आ गई थी जी। उसके बाद बैंक मैनेजर ने कहा कि ये आपका नहीं हो पाएगा, एक दूसरा स्कीम आया है उस पर आपका हो जाएगा 1 हफ्ता के अंदर। तो हमने कहा कि ठीक है सर। तो उन्होंने जो है कि डॉक्यूमेंट कागजात लेकर हमारे घर आए थे जो। तो घर पे आप थे कि नहीं थे? नहीं हम नहीं थे, जो है हमारी वाइफ थी जो है। अच्छा अच्छा, आइए इनकी वाइफ से पूछताछ करते हैं क्या हुआ। मैडम आप बताइए कितने लोग आए थे बैंक से? 2 लोग। बैंक से 2 लोग आए थे, फिर क्या किए उन लोगों ने? पूरा सारा कागज पे साइन कराए। साइन करवा लिए आपसे और फिर चले गए? चले गए। क्या कहा उन्होंने कि ये लोन के लिए है, कुछ बताया उन्होंने कि ये कैसे कागजात हैं? हाँ बताए थे। क्या बताए थे? लोन के लिए बताए थे। आइए हम इनसे पता करते हैं उस इसके बाद क्या हुआ। दस्तखत तो करवा लिए, उसके बाद क्या हुआ बताइए। सारे कागज पे दस्तखत उसके करवाए थे, हम थे नहीं। उसके बाद जो है बैंक में जो है कि बुलाए कि आपका जो है कि फाइल बन गई है, उसके बाद जो है कि आपका 3.5 लाख का FDR लगेगा उसमें, और आपका 12 लाख का टर्म लोन बनेगा, 12 लाख का CC बनेगी, और 5 लाख का टर्म लोन बनेगा, 17 लाख का बनेगा, उसमें 3.5 लाख FDR बनेगा आपका लोन की गारंटी के लिए। तो जब ये 3.5 लाख रुपए का डिपॉजिट जो भी बनवाने के लिए बताए, वो पैसे आपके खाते से कब कटे? ये रात को 8:20 पे 8:20 पे पैसे निकाले गए 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख और FDR हुआ नहीं? FDR हुआ भी नहीं। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद जो है कि जब पता चला कि हम गए बैंक में चेक करवाए FD की, तो FD हमारा हुआ नहीं, काफ़ी लोग का पैसा लेकर भागे थे ये लोग, लेकिन हमें भी पता चला तो हम गए जब चेक करवाए तो FD हमारा हुआ नहीं है। तो बैंक मैनेजर ने वहाँ के जो है श्रीवास्तव जी, उन्होंने कहा कि आप तत्काल जाइए उनके पास, रवि शर्मा के पास। हमने उनके पास गया तो उन्होंने यही कहा कि ऐसा है आपका पैसा हम दे देंगे जो है कि। तो उसके बाद आप 2 दिन बाद आइए। हमने 2 दिन बाद जब गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपका पैसा हमने मैनेजर साहब को सारा दे दिया है, और उसके बाद उनके पास जाइए। तो उनके पास जब गए, वो इनको लिखा रहे हैं, ये उनको लिखा रहे हैं। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद जो है हमने जो है DM के यहाँ गए, वहाँ अप्लीकेशन दिए, DM जो है SP के लिए अप्लीकेशन मारे, उसके बाद जो है वहाँ से हमारा हंसवर थाने में FIR दर्ज हुआ। अम्बेडकर नगर के हंसवर थाना क्षेत्र के फतेहपुर ग्राम सभा के आंगनबाड़ी केंद्र की जमीन पर रास्ता बनाया जा रहा है। इस जमीन पर यहाँ के ग्राम प्रधान रास्ता बनाने की अनुमति नहीं दे रहे। लोगों का कहना है कि यह कार्य प्रधान के पुत्र जितेंद्र सिंह और चिंटू सिंह जबरदस्ती करवा रहे हैं, जिनका जनता विरोध कर रही है। जबकि इस रास्ते के बीच में आंगनबाड़ी केंद्र का नल भी आ रहा है, और लेखपाल के पूछताछ पर पता चला कि यह रास्ता मानचित्र में ही नहीं है, फिर भी जितेंद्र सिंह और चिंटू सिंह इसे जबरदस्ती बनवा रहे हैं। अम्बेडकर नगर से हमारे संवाददाता रमेश मौर्य की है। फास्ट न्यूज इंडिया से मैं रमेश मौर्य, मैं पहुंचा हूं अम्बेडकर नगर के हंसवर थाना क्षेत्र के फतेहपुर नूरपुर नामक गांव में। यहां पर जो है एक रास्ता बनाया जा रहा है, जो कि ना मानचित्र में है ना तो प्रधान की मर्जी से। पूरा गांव चाह रहा है ये ना बने, लेकिन कोई इसे बेवजह बनाना चाहते हैं। आइए हम जनता से, यहां के पब्लिक से पूछताछ करते हैं कि ये क्यों बनाया जा रहा है, कब बनाया जा रहा है, किसके आदेश पे कर रहा है। आप ये बताइए रास्ता बनाया जा रहा है क्या मानचित्र में है? नहीं। प्रधान की सहमति से हो रहा है? नहीं। तो फिर ये रास्ता बनवा कौन रहा है? ये
प्रधान जी करवा रहे हैं उन्हीं के दबाव से, और वो दो आदमी उनके लड़के करा रहे हैं। प्रधान जी की मर्जी नहीं है? नहीं, प्रधान जी की मर्जी नहीं है, उनके लड़के जबरदस्ती करवा रहे हैं। उनके लड़के जबरदस्ती करवा रहे हैं। ये जो है जमीन किसकी है? जमीन किसी की है? आंगनबाड़ी जमीन है, सरकारी संपत्ति है। आपका कहना है सरकारी संपत्ति पे कोई जबरदस्ती निर्माण करा रहे हैं? प्रधान जी के लड़के जो हैं वो दबंगई कर रहे हैं जमीन पे। प्रधान जी का कहना है रास्ता ना बने। ना रास्ता ना बने, लेकिन उनके बेटे का कहना रास्ता बने। हम जबरदस्ती बनवाएंगे, आप लोग रोक के देख लीजिए। ठीक है, अब जो पब्लिक कहेगी आप वही करेंगे। हाँ, पब्लिक कहे, प्रधान जीवन मन कहे तो उन करें, सब पब्लिक मिलके आप। सामने जो रोड बना हुआ है ये जमीन आपकी है? ये ही उधर दिखाई दिखाई बताइए देखा दक्षिण उधर वार है। हाँ, ये रोड रोड वाला, ये जमीन आपकी है? हाँ। तो ये जो बना है आपकी सहमति से ही बना होगा? भाई तो हमने सहमति से इतना। अच्छा अच्छा, फायदा आपके लिए, लेकिन ये पब्लिक विरोध कर रही है, इसका क्या कहना चाहते हैं? मेरी जमीन कहा विरोध कर, तो आपकी जमीन में नहीं विरोध हो रहा है ना, वो तो आंगनबाड़ी की जमीन। ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं प्रधान जी की सहमति नहीं है रोड बनाने के, उनके बेटे बनवा रहे हैं आंगनबाड़ी की जमीन पे रास्ता बनवा रहे हैं। लोगों का कहना आंगनबाड़ी की जमीन पे जो है रोड बना रहे हैं, जिसका जिसकी जमीन में बन रहा है उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, उधर बन जाए, लेकिन गांव वालों का विरोध है कि आंगनबाड़ी की जमीन में खड़ंजा नहीं बनेगा, मानचित्र में नहीं है रास्ता, नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे बमरौली एयरपोर्ट पर, उतरने के बाद कुंभ मेला क्षेत्र में कारों के काफिले से पहुंचे। सीएम ने दिसंबर अनी अखाड़ा में पूजन अर्चन के बाद धर्म ध्वजा फहराया। कुंभ मेला में सबसे ज्यादा समय सीएम योगी संतों को दिया, सीएम योगी ने संतों को दिया। वह तकरीबन 8 घंटे में लगभग 4.5 घंटे साधु महात्माओं के बीच रहे, उनके साथ ही नाश्ता और भोजन भी किया। सीएम योगी बांध स्थित लेटे हनुमान मंदिर पहुंचे, उन्होंने विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद गंगा जल से स्नान किया। महानिर्वाणी अखाड़े में पुस्तक का भी विमोचन उन्होंने किया। प्रयागराज समय संवाददाता कृष्णकांत की एक एक नई ऊंचाइयां दी। पूरे कुंभ के आयोजन को अगर इसी भव्यता और उसी प्रकार की पॉजिटिव स्टोरी के साथ आगे बढ़ाएंगे तो ये चीजें आप। 25 वर्षीय विनय कुमार ग्राम जहानगंज का निवासी है। जब विनय कंजाइना रोड बिरिया नगला के पास अपनी मोटरसाइकिल से पहुंचा कि तभी विपरीत दिशा से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल ने उसे जोरदार चक्कर मार दी, जिससे वो मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके पास मिले मोबाइल से जब उनके परिजनों को कॉल किया गया तब उन्हें इलाज हेतु सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनकी स्थिति चिंताजनक है। फरखाबाद से हमारे संवाददाता मितेश कुमार सिन्हा की। क्या नाम है आपका? विनीत कुमार। पिताजी का नाम? श्री राजेश कुमार। ग्राम कौन सा? बिरिया नगर। कोतवाली कौन सा आता? कोतवाली फतेहगढ़। जिनके साथ ये दुर्घटना हुई है उनका क्या नाम है? विनय कुमार। इनका नाम विनय कुमार है। उनके पिताजी का नाम? रामस्वरूप वर्मा। ये दुर्घटना कैसे हुई है? बाइक से एक्सीडेंट। कि बाइक से एक्सीडेंट हुई है, बाइक से ये सवार थे या बाइक वाले ने टक्कर मार दी? दोनों लोग बाइक सवार थे। और टक्कर किस गाड़ी से लगी है? बाइक से। बाइक से। किस स्थल पे लगी है टक्कर? ये कंजाना रोड। कंजाना रोड में आपको सूचना कैसे मिली? गांव में एक किसी व्यक्ति ने बताया रास्ता चलते हुए। 30 वर्षीय संजीव कुमार ग्राम रुखाया के निवासी है। जब संजीव कंजाइनर रोड के पास अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे कि तभी मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ जाने से सामने से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल टकरा गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल उनकी चिकित्सा लोहिया अस्पताल में चल रही है। फरखाबाद से हमारे संवाददाता नितेश कुमार सिन्हा की। क्या नाम है आपका? पिताजी का नाम? किस गांव के रहने वाले? थाना कौन सा आता है? जिला। जिस व्यक्ति के साथ घटना घटी है उस व्यक्ति का क्या नाम है? संजीव कुमार। संजीव कुमार के पिताजी का नाम?
यह दुर्घटना किस स्थल पर हुई है? हम बात कर रहे थे उन्होंने। नहीं, किस स्थल पर, जगह का कोई नाम हो? बिडिया नगर से थोड़ी पहले। समाचार है, कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फार्म न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।